श्रीलंका में हुए अब तक के सबसे विध्वंसक सीरियल ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 290 पहुंच गई है। रविवार को ईस्टर के मौके पर चर्च और होटल समेत कुल 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे और हमले में 450 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और इसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि सीरियल ब्लास्ट की जांच कर रही श्रीलंकाई पुलिस अब तक 24 लोगों को इसके लिए गिरफ्तार भी कर चुकी है। और इधर सोमवार सुबह कोलंबो एयरपोर्ट के पास एक और बम बरामद हुआ और इसे सुरक्षा बलों ने समय रहते डिफ्यूज कर दिया। हमले में 4 भारतीयों की भी मौत की खबर आई है। रविवार रात तक मृतकों की संख्या 215 थी और हमले के बाद अफवाहों से बचने के लिए एहतियातन पूरे देश में सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया था। सुबह 6 बजे ये कर्फ्यू हटा लिया गया। गृह युद्ध के बाद बीते 10 सालों में शांत रहने वाला ये द्वीपीय देश रविवार को सीरियल धमाकों से दहल गया। अधिकांश धमाके राजधानी कोलंबो में हुए हैं। श्रीलंका के कोलंबो से लगातार कल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीरियल ब्लास्ट हुआ, देखते ही देखते मरने वालों की संख्या बढ़ती गई और आखिरकार ये 290 तक पहुंच गई, तो कई लोग इसमें जख्मी भी हो गए हैं। बड़ी खबर भारत के लिए ये है कि इसमें 4 भारतीय लोगों की भी मौत हो गई है। ईस्टर के मौके पर ये बड़ा सीरियल ब्लास्ट। आपको बता दें कि ज्यादातर जो धमाके हुए हैं वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए हैं और साथ ही एक बम और भी एयरपोर्ट के पास मिला, जिसको समय रहते पुलिस ने डिफ्यूज कर दिया, नहीं तो कोई और भी बड़ा हादसा हो सकता था। साथ ही भारत के लिए दुख की खबर आपको बता दें कि 4 भारतीयों की भी इसमें मौत हो चुकी है और 8 धमाकों में मरने वालों की संख्या देखते ही देखते बढ़ती गई और आखिरकार यह आंकड़ा 290 तक आकर पहुंच गया, तो कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं जिनका लगातार उपचार जारी है। एक बम को सुरक्षा बलों ने समय रहते डिफ्यूज कर दिया, नहीं तो कोई भी एक और बड़ा हादसा हो सकता था।